ये अब मैं आपको फर्स्ट फीचर के बारे में जानकारी दे दूं। ये है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन विथ अलॉय व्हील रिम और ये है 10 इंच के ट्यूबलेस टायर और ये है ड्रम ब्रेक विथ केबल ऑपरेटेड। यहाँ पर ये जो रेड कलर है काफ़ी ग्लॉसी है, बहुत ही शाइन है, ये कलर मुझे बहुत पसंद आया। उसी के साथ यहाँ पर भी ये एम्पियर का स्टिकर लगा हुआ है सिल्वर कलर में। यहाँ पर भी पावर स्पोर्ट्स का स्टिकर है, इसकी वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये स्कूटर। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हेडलाइट दिया गया है और पार्किंग लाइट के लिए भी दिया गया है। ये जो डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक है, आमतौर पर ये जो डिज़ाइन है ऐसी देखने के लिए नहीं मिलती है। और यहाँ पर भी ये इंडिकेटर्स हैं, हैंडल में ही दिए गए हैं साइड लाइट। अब मैं आपको ऑन करके दिखा दूँ इनको, देखिए मैंने यहाँ पर ये हेडलाइट ऑन करा है, देखिए हेडलाइट और ये पार्किंग लाइट मैंने ऑन किए हैं, ये एलईडी लाइट्स हैं। अब हम इसके इंडिकेटर ऑन करते हैं। यहाँ पे ये जो साइड लाइट्स दिए गए हैं ये देखिए, ये भी एलईडी दिए गए हैं, ये भी काफ़ी, इसका ये जो शेप है काफ़ी अट्रैक्टिव है। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा दूँ ये जो एलईडी लाइट है इसका पावर कितना है और ये जो सराउंडिंग का जो लाइट है उसका पावर आप देखिए यहाँ पर। अब हम देखते हैं ये जो एलईडी लाइट है इसका कितना है। ये देखिए यहाँ पे हमें जो इसका लक्स मिल रहा है ये 47,190। फ्रेंड्स, रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए सो दैट कि जब भी मैं अपना वीडियो डालूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए। आइए अब मैं आपको इसके हैंडल के कंट्रोल के बारे में जानकारी दे दूं। यहाँ पर ये दिया गया है रेयर ब्रेक, ये है अपर लाइट और लोअर लाइट का स्विच। ये स्विच काफ़ी यूनिक है, अलग है इसका ये जो शेप है ये अलग है। ये इंडिकेटर के स्विच है, यहाँ पर भी ये हॉर्न का स्विच है। यहाँ पर ये फ्रंट ब्रेक दिया गया है, ये है एक्सेलेटर, ईजी है मूव होने के लिए। यहाँ पर ये पार्किंग लाइट का स्विच है, जैसे हमारे फोर व्हीलर में होता है वैसे ही इस स्कूटी में भी ये दिया गया है। और ये हेडलाइट और पार्किंग लाइट का स्विच है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हॉर्न का स्विच है, दोनों साइड में ये स्विचेस दिए गए हैं। और यहाँ पर ये जो है डिजिटल मीटर, अब मैं आपको ऑन करके दिखा दूँ, देखिए ये काफ़ी बढ़िया है। ये डिजिटल मीटर का जो ये शेप है ना, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये भी काफ़ी कलरफुल है। ये है स्पीडोमीटर, ये है ओडोमीटर है यहाँ पर, और ये बैटरी चार्जिंग स्टेटस है। यहाँ से आपको पता चलता है आपकी बैटरी कितनी चार्ज है और आपको फिर कितना चार्ज करना है, यहाँ से हमें पता चल जाता है। अब मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा दूँ हमें कितना स्पीड मिलता है। यहाँ पर देखिए, अब मैंने ये एक्सीलेटर दिया है यहाँ पर, इसका जो स्पीड है वो है 29, मैक्स टू मैक्स 29 का स्पीड हमें यहाँ पर मिलता है। ये है इसका मिडिल एरिया, इसके बारे में आपको मैं अभी जानकारी दे दूँ। देखिए यहाँ पर ये USB मोबाइल चार्जर दिया गया है, आप आपके मोबाइल को चार्जिंग को लगा के यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ और यहाँ पर ये जो हुक दिया गया है, यहाँ पर भी सामान हैंग करके आप यहाँ पर ऐसे फिट कर सकते हो, मतलब टेंशन नहीं है कि नीचे सामान गिरेगा। ये है यहाँ पर इसका लेग स्पेस, आप यहाँ पर सामान रख सकते हो, ग्रॉसरी है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 130 का है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। और उसी के साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बैटरी को चार्ज करने का सॉकेट है, मीन्स आप विदाउट बैटरी निकाले हुए यहीं से चार्ज कर सकते हो। आइए अब मैं आपको इसके सीट के बारे में जानकारी दे दूँ। यही इसका सीट, ये काफ़ी क्यूट है, इट्स मतलब छोटा है, सॉफ्ट भी है, कंफर्टेबल है बैठने के लिए। अभी जस्ट मैं यहाँ पे बैठी थी और यहाँ पर ये ग्रैप होल्डर दिया है, दो लोग बैठ सकते हैं और जो पीछे बैठता है उनके लिए भी ये ग्रैप होल्डर है। और अब आपको बता दूँ ये सीट खोलना कैसे है, ये जो की है इसे हमें लेफ़्ट साइड में टिल करना है। नाउ ये जो हमारा सीट है ये अभी खुल गया है। ये है इसका बूट स्पेस, ये है चार्जर, ये है ग्लास मिरर, ये है इसका टूल बॉक्स,
और यहाँ पर ये जो ऑन ऑफ स्विच दिया गया है इसका काफ़ी फ़ायदा होता है हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर में, इन केस अगर हमारे स्कूटर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। और ये जो इसका बूट स्पेस है वो 18 लीटर का है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो स्कूटर है ये लिथियम आयन बैटरी की है, तो आपको बता दूं कि इसकी बैटरी कहाँ पर है। ये देखिए, ये है, यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, इसे हमें खोलना है इस तरह से। और ये है वो लिथियम आयन बैटरी, इसे यहाँ पर नीचे दी गई है। इसे निकालना भी काफ़ी ईजी है, इसे जस्ट हमें ऐसे खींचना है इस तरह से। देखिए ये निकल आया, ये जो बैटरी है अब मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ, ये भी इजी है। फ्रेंड्स, ये है वो लिथियम आयन बैटरी जो कि 48 वोल्ट 24 आवर एम्पियर की है। और ये जो बैटरी है इसका वेट है 9 केजी का है, इजी टू मूव है, आप इसे लेके जा सकते हो आपके घर पे चार्जिंग के लिए। और यहाँ पर स्कूटर को कनेक्ट करने का सॉकेट दिया गया है, और घर पर अगर आप ये बैटरी लेके जाते हो तो यहाँ पर आप चार्जर को कनेक्ट कर सकते हो। आइए अब मैं आपको इसके चार्जर के बारे में जानकारी दे दूँ। ये है इसका चार्जर, काफ़ी लाइट वेट है ये। और ये जो इसका आउटपुट है वो है 54.6 वोल्ट 6 एम्पियर का। और ये 6 एम्पियर का होने की वजह से 4 घंटे में आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है ये चार्जर। अब मैं आपको बताऊँ कि इसे चार्ज कैसे करना है बैटरी को। फ्रेंड्स, रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए बेल बटन पर, सो दैट कि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए। आइए अब मैं आपको बता दूँ इस बैटरी को चार्ज कैसे करना है। इसे बाहर निकालने के बाद ये जो 3-पिन प्लग है इसे मैं यहाँ एनर्जी मीटर पर कनेक्ट कर रही हूँ इस तरह से। अब मैं ये जो स्विच है इसे ऑन कर रही हूँ। अभी हमें यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो हमारी बैटरी है ये कितने वाट से चार्ज हो रही है। उसके पहले ये बता दूँ कि ये जो यहाँ पर रेड कलर आया है इट्स मीन ये जो हमारी बैटरी है ये चार्ज हो रही है। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर्स आए हैं, अब ये 169.7 वॉट से हमारी ये जो बैटरी है ये चार्ज हो रही है। आइए अब हम देखते हैं कि विदाउट बैटरी निकाले हुए स्कूटर को चार्ज कैसे किया जाता है। यहाँ पे ये जो सॉकेट दिया गया है इसे हमें यहाँ पर ये कनेक्ट करना है इस तरह से। अब मैंने ये जो स्विच है इसे ऑन करा है, देखिए अब ये जो हमारी स्कूटर है ये चार्ज हो रही है। और हमें यहाँ पर ये जो स्कूटी है ये भी सेम वॉट से चार्ज हो रहा है। वॉट से ये भी चार्ज हो रहा है। आइए इसके रेयर के बारे में जानकारी दे दूँ। ये है 250 वॉट की BLDC मोटर, और इसका पीक आउटपुट है 500 वॉट का। और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसे व्हील में ही दिया गया है। और ये जो मोटर है ये वाटरप्रूफ है, और ये ट्यूबलेस टायर है, और यहाँ पर ये एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन है। आप सिंगल सीट हो तो भी इसे एडजस्ट कर सकते हो, और अगर आप डबल सीट हो तभी इसे एडजस्ट करके चला सकते हो। ये है ड्रम ब्रेक विद केबल ऑपरेटेड, और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी सिस्टम दिया गया है। ये यहाँ पर ब्रेक लाइट्स दिए गए हैं, आपको ऑन करके दिखा दूँ। ये यहाँ पे भी साइड इंडिकेटर्स है, ये ब्रेक लाइट है जो कि LED दिए गए हैं, अभी इसे मैंने प्रेस किया है। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस स्कूटर के प्राइस के बारे में जानकारी दे दूँ। इस स्कूटर का ऑन रोड प्राइस है 63,000, और इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो स्कूटर है ये एक चार्ज में 60-65 किलोमीटर तक जाती है। और इस स्कूटर की जो बैटरी है इसके ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। चलिए अब हम इस स्कूटी का टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं।
फ्रेंड्स ये स्कूटी है, इसका अभी जस्ट मैंने टेस्ट ड्राइव लिया है और मैं अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ आप लोगों को। ये जो स्कूटी है इसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, इसका पिकअप भी काफ़ी अच्छा है और इसका सीट भी सॉफ्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मैं बैठी हूँ। इसका हाइट भी काफ़ी बढ़िया है और ये जो स्कूटी है ये 120 केजी तक ले पाती है वेट। ओवरऑल ये जो स्कूटी है काफ़ी बढ़िया है। प्लीज़ आप ये स्कूटी का एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखिए, आपको भी पसंद आएगी ये स्कूटी। सो फ्रेंड्स ये हो गई इस वीक की स्कूटी की जानकारी। मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीक आऊँगी नए स्कूटी के साथ आप लोगों के सामने। तब तक आप मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।